रॉयल एनफील्ड अगर नाम आप ले रहे हो तो आप माइलेज भूल जाइए। हाँ। तो ये बता बाइक कैसी लगी तूने, मतलब 3.5 लाख रुपए खर्च करे, कैसी बाइक लगी तू अपनी? भाई ये देख लो साथ में खड़ी हैं दोनों, अभी अपन दोनों क्या करेंगे एक एक करके ना कंपैरिजन करते हैं। टैंक मुझको थोड़ा सा ना छोटा और पतला। हाँ इसका मेरे को भी मतलब पहले दुख हुआ था। हाँ सो हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई आप सभी? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आप सभी सोच रहे होंगे भाई इतने टाइम के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है। भाई सबसे पहले तो मैं ये बता दूं भाई मुझे डेंगू हो गया था, डरने की कोई बात नहीं है, अब सब कुछ सही है, बढ़िया है भाई, मैं एकदम बढ़िया हो गया हूं। मैं कम से कम 8-9 दिन अपना जो है बेड रेस्ट पे था, पर अब फाइनली भाई मैंने सोचा कि मैं घर से बाहर निकलूं और अपने बाइक के साथ, आप सबको पता है भाई मैंने न्यू बाइक लिया है, उसके साथ व्लॉग्स बनाऊं। पर लेकिन उसी के बीच में भाई मेरा एक दोस्त है जिसने अभी जनवरी में भाई न्यू बाइक ली थी, और भाई जो उसकी बाइक है भाई वो हम उसको सुपर बाइक कह सकते हैं, क्योंकि भाई उसका इंजन भी ज़्यादा है, मतलब मेरी वाली से भी ज़्यादा है, मेरा 350 cc है। मेरी बाइक जो है वो मेरी बाइक को हम बोलेंगे लेजेंड बाइक। भाई वो तो है ना, उसकी उसका कंपैरिजन ना सुपर बाइक है ना नॉर्मल बाइक है ना वो है लेजेंड। पर लेकिन जो दोस्त की बाइक है भाई वो है उसको सुपर बाइक बोल सकते हैं, कि भाई वो थोड़ा सा वो अपर सेगमेंट की है, 3-3.5 लाख इतने की है ना। हाँ तो भाई हमारी तो भाई 2-2.10-2.20 लाख की है, और वो तो भाई 3-3.5 लाख की है, तो इसलिए भाई उसको सुपर बाइक, क्योंकि 3.5 लाख में भाई मारुति 800 आती है बेस मॉडल। ठीक है भाई, तो भाई सबसे पहले भाई मैं अपने दोस्त से मिलाता हूँ। ठीक है भाई, ये है योगेश, क्या हाल है गाइस? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और यार बस सब चल रहा है, बड़े दिनों बाद मिला है भाई। भाई मैं खुद इससे बहुत दिन, मेरे ख्याल से 1-2 महीने बाद मिल रहे हैं, ज्यादा ही हो गया। जब मतलब ज्यादा ही हो गया, काम में बिजी है, मैं अपने काम में बिजी हूँ, सबके ऑफिस वगैरह है। और भाई बता सब बढ़िया? एकदम फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास के लिए तेरे सामने बाइक खड़ी, बाइक अभी नहीं दिखाऊंगा, दिखाऊंगा गाइस, दिखाऊंगा आराम से दिखाऊंगा बाइक। तो ये बता बाइक कैसी लगी तूने, मतलब 3.5 लाख रुपए खर्च करे, कैसी बाइक लगी तू अपनी? भाई खुश है? बोलूंगा खुश हूँ, मेरी बात ज्यादा ही हूँ, उससे ज्यादा है, कुछ से ज्यादा ही हूँ मैं। अच्छा, जो मेरे को उम्मीद नहीं थी वो दे रही है मेरे को। ओहो क्या बात है भाई, ऐसा क्या दे रही है भाई, प्लेजर तो दे रही है। चलो भाई मैं सबसे पहले आपको ना बाइक दिखाता हूँ इसकी, ठीक है? सबसे पहले आप इसके सिनेमेटिक इंजॉय करो। सिनेमैटिक एंजॉय करने के बाद भाई ये देखो, ये है इसकी बाइक, ये है भाई, यही बताएगा नाम, ये है ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X। 400X इसका कोई 400 वाला वर्जन भी आता है? नहीं यही है, 400 यही है, 400 में यही है एक। इसकी बस एक छोटी वेरिएंट आती है जो ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी, वो है स्पीड 400। अच्छा वो स्पीड 400 है और ये है स्क्रैम्बलर। स्क्रैम्बलर ओके। तो भाई देख लो भाई लुक, बाकी सिनेमैटिक तो मैंने आप सबको दिखाई दिए हैं, और भाई बगल में खड़ी है लेजेंड। हमारी प्यारी बुलेट भाई, भाई मुझे तो डिफरेंस लग रहा है क्योंकि इसे थोड़ा बहुत मॉड कराया हुआ है। अच्छा भाई मॉडिफिकेशन कुछ नहीं हुई अभी तो होगी, बट अभी तो शुरुआत है, बुलेट तो भाई बुलेट है। भाई ये देख लो साथ में खड़ी हैं दोनों, अभी अपन दोनों क्या करेंगे एक एक करके ना कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन कैसे करेंगे, मतलब ये नहीं कि तेरी अच्छी है मेरी अच्छी नहीं है, ऐसे नहीं करेंगे भाइयों की, दोनों की अच्छी है ठीक है। बाइक बाइक है, बाइक आई है हमारे ग्रुप में, क्या है बाइक आई है तो घर में आई है। हाँ भाई इसकी हो या मेरी हो, हाँ। बाइक तो बाइक है और दोनों की अच्छी है। हम कंपैरिजन कैसे करेंगे भाई की, जैसे इसमें क्या चीज नहीं मिलती और इसमें क्या चीज एक्स्ट्रा मिलती है, और उस पैसे में बुलेट क्या चीज एक्स्ट्रा देती है, क्योंकि भाई बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो इसमें होंगी पर उसमें नहीं होंगी, और बहुत सारी चीजें होंगी जो उसमें ऑफ कोर्स होंगी और इसमें नहीं होंगी। करें स्टार्ट? बिल्कुल। चल भाई सबसे पहले भाई लुक, भाई लुक को भाई नंबर दूंगा मैं तो बुलेट को। भाई लुक वाइज एक होता है, लुक का मैटर ये होता है कि अपनी पर्सनल चॉइस, पर लुक्स में किसको देगा, पर्सनल में तो भाई हम समझ गए, तो इसको देगा लुक्स में किसको देगा भाई, जो जो दूर से मतलब हाँ जानी मानी बाइक है दूर से, लेकिन अब किसी को रोड प्रेजेंस देनी है तो अपनी बाइक निकाल लूंगा। भाई लुक्स के लिए दोनों का एक एक पॉइंट, ठीक है? चलो भाई, भाई टायर साइज क्या साइज है टायर का? भाई ये है 19 इंच अलॉय, ठीक है? अच्छा पीछे का है 17 इंच का, ठीक है भाई। भाई सेम 19, ये पीछे कौन सा है? 17-19 है भाई, बुलेट जीत गई 19-18।
बस अलॉय नहीं है मेरे वाले मॉडल में, ठीक है, पर लेकिन 1918 है भाई। टायर के मामले में बुलेट जीत गई 1918 और 1917। नेक्स्ट 17 भी उसका पर्पस है। क्यों? वो ऑफ रोडिंग के लिए। अच्छा, चौड़े टायर, ज्यादा बड़े टायर होंगे तो वो फिर उसका बैलेंस बिगड़ता है ऑफ रोडिंग के चक्कर में। अच्छा अच्छा, 17 का दिया भाई। ये गोल्डन गोल्डन देख रहे हो, ये इसको क्या बोलते हैं भाई, मैं भूल गया, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन सस्पेंशन। और भाई ये है टेलीस्कोपिक। भाई आपको बता दूं जिनको नहीं पता, भाई अप्स एंड डाउन जो है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कंपैरिजन इनके, क्योंकि भाई ये पहले आते थे बाइक्स में पुरानी में, और ये अब ये अब जितनी भी न्यू मॉडर्न की बाइक्स आ रही हैं उनमें आ रहे हैं भाई। दो पॉइंट हो गए इसके, दो पॉइंट हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट भाई स्पीडोमीटर, चाबी कहाँ है भाई, चाबी लगाओ इसमें। क्या हो गया भाई, इतना खुश कैसे हो? भाई हम तो ऐसे हंसते रहते हैं। चलो भाई, हाँ इसका भाई। ऐसे नहीं, 1 2 3 स्टार्ट करो भाई। ओ नाइस भाई, इसमें कितनी सारी लाइटें हैं। हाँ, तो भाई इसमें इंजन की लाइट है, ये ऑयल की है, ऑयल की इंजन ऑयल, ये टीसी है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, ओ भाई साहब, एबीएस है, और ये न्यूट्रल का है। हाँ, और बाकी स्पीडोमीटर हो गया भाई। डिजिटल मीटर में क्या क्या है भाई? डिजिटल मीटर में मैं यहाँ से न्यूट्रल है देता हूँ, अगर यहाँ पे फोकस करेगा तो ये इसका स्विच बटन है। हाँ, ये तो है, ठीक है, जहाँ से इसका टाइम वाइम सब सेट हो सकता है और बाकी चीजें भी देख सकता है। तो मैं इसको दबाऊंगा तो मैं एक बार इंजन ऑन कर देता हूँ। तो ये आ गया डिस्टेंस, ये आ गया इसका ट्रिप 1, ट्रिप 2। अच्छा, यहाँ पे पूरा चेंज होता रहेगा ना, और यहाँ ये माइलेज वगैरह, माइलेज आ गई, ठीक है इसकी मैक्सिमम स्पीड आ गई, कितनी जा सकती है। हाँ, ये ठीक है, जो मैंने टच भी करी हुई है। ओह माय गॉड, इट्स टू डेंजरस मैन, प्लीज डोंट डू दिस। फिर ये इसका ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया, जो मैं सेम बटन होल्ड करके इसको ऑफ कर सकता हूँ और ऑन भी कर सकता हूँ। हाँ, तो वही चीज है, ट्रैक्शन कंट्रोल मतलब ऑफ, हमारा ऑफ रोडिंग में हो जाता है, एबीएस ऑफ हो जाता है क्योंकि टायर स्लिप होता है पीछे। हाँ, तो कंट्रोल करने के लिए। फिर आ गया इसका ये ऑफ रोड स्विच हो रखा है एबीएस के लिए, जो एबीएस ऑफ है अभी इसका। अच्छा, ये क्या है भाई, सूरज अभी धूप है तो? हाँ, ओ देखा मैं कितना स्मार्ट हूँ। चलो भाई अब बुलेट में देखते हैं, ठीक है, लेट्स सी ऑन बुलेट। देखो भाई, यहाँ पे हमें मिलता है बहुत ही सिंपल सा ये सुई वाला कंट्रोल, जिसमें कि आपको दिखता है कि ये देख रहे हो पूरी घूम, आप में घूमती है ऐसे? हाँ, ऐसे। अच्छा, फिट तो ठीक है। हाँ, भाई ये देखो इसमें क्या क्या मिलता है भाई हमें, इंजन, बैटरी, एबीएस, पेट्रोल, टाइम, इसमें ये रहा वो बटन आई वाला, इसको दबा के हम चेंज कर सकते हैं ट्रिप 1, ट्रिप 2, बस। और मेरे ख्याल से शायद इसमें एक फीचर और है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इको दिखा रहा है। हाँ, इको दिखा रहा है वो, तो अगर हम इसमें मेरे ख्याल से एक पावर वाला भी नहीं, है। नहीं, नहीं, मैं बताता हूँ वो इको क्या है। हाँ, वो इको नहीं, जो तो समझ रहा है। हाँ, वो इको पता है क्या है? हाँ, अगर हम पहले गियर पे ज्यादा रेस दे देना तो वो इको हट जाता है, मतलब कि आपकी फ्यूल जो है वो पावर वाला स्विच हो जाता है। अच्छा, ग्रीन लाइट से ऑरेंज हो गया। अच्छा, तुम ज्यादा पेट्रोल खर्च कर रहे हो। ये वो चीज दे रखी है इन्होंने, ये बहुत स्मार्ट है, ये वो ये मोड नहीं है पावर इको, कह रहे धीरे कर ले। हाँ, धीरे कर ले। वो बोल रहा है धीरे कर ले। चलो भाई नेक्स्ट, भाई टैंक, टैंक भी थोड़ा सा ना छोटा और पतला। हाँ, इसका मेरे को भी मतलब पहले दुख हुआ था। हाँ, तो मैं इसकी पूरी आरएनडी करी, ठीक है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेसिकली। तो इसके बारे में पता लगा कि इसका साइज इस हिसाब से बनाया गया है कि जो मोस्टली एडीवीज होती है, तो एडीवीज में क्या होता है ना कि बैलेंस बनाने के लिए उसकी एक लेंथ दी जाती है। अच्छा, तो अब जैसे हिमालयन है। हाँ, उसका आगे का टायर और टैंक चौड़ा है, लेकिन उसके पीछे की लेंथ इसकी सेम है। अच्छा, तो उस हिसाब से अब यहाँ पे टैंक कम मिलता है। हाँ, कितना है बाइक्स? ये 14 लीटर का टैंक है। अच्छा, ठीक है, बट मेरे हिसाब से मुझे नहीं पता था कि ट्रायम्फ और बजाज मिलके ऐसे इंजन बना देंगे कि ये मुझे 30 की माइलेज दे देगी। हैं? तो मुझे नहीं पता था, बट हाँ मैं उस चीज से बहुत खुश हूँ। क्या बोला तुमने, 30 की माइलेज? हाँ, दे रही 400 सीसी। हाँ भाई, कुछ सीखो रॉयल एनफील्ड। तो, हाँ, बट ये एक चीज है कि बाइक है, वो शहर में चलाओगे ब्रेक लगती रहेगी, वो 30 का 25 डेफिनेटली होगा, ठीक है, हो सकता है उससे भी कम हो। बट जहाँ पे मैंने नॉर्मल हिसाब अगर मैं यूज करूँ, जैसे मैं एम्स रहता हूँ, तो एम्स से अगर मैं थोड़ा सा सिटी में रहो फिर हाईवे टच करूँ, तो वो आराम से मेरे को 30 दे देती है। 30 दे देती है। हाँ, तो भाई माइलेज के मामले में जो मेरी बाइक है, यू नो रॉयल एनफील्ड
रॉयल एनफील्ड अगर नाम आप ले रहे हो तो आप माइलेज भूल जाइए। ठीक है, ठीक है, बात सही है। अब आप समझ जाओ माइलेज कितनी है। अगर आपने रॉयल एनफील्ड नाम लिया तो आप माइलेज भूल जाइए, अगर आपने माइलेज नाम लिया तो आप रॉयल एनफील्ड भूल जाइए। एक चीज कह दी जाती है कि बाइक चाहे 350 cc की हो, 400 cc की हो, 600 cc की हो, बाइक इतनी अगर भारी ले रहे हो तो वो हाथी पालना है। भाई इसका इसका वेट कितना है? 400। भाई 400 cc होने के बावजूद इसका वेट कितना है? भाई इसका वेट है 185 kg। ठीक है गाइस, 400 cc बड़ा इंजन, इसका वेट है 185 kg। 350 cc, 50 cc कम, इसका वजन है 197 kg। बुलेट हवा से भारी आई है और इसलिए तो लोग ठुकते हैं क्योंकि कंट्रोल नहीं होती। अब GT 650 ले लो, वो इतनी भारी बाइक है कि कोई भी नॉर्मल बंदा उसे चला नहीं सकता है। हाँ ये तो है, वही चीज है। तो भाई इसका टैंक और ये टैंक पैड वगैरह लगा रखे हैं जो कि आपको इसमें मिसिंग मिलेंगे, पर इसका टैंक जो है ना वो थोड़ा सा आपको ब्रॉड मिलेगा कंपेरिजन इसके। ठीक है भाई, टैंक में देख लो, ये थोड़ा सा ब्रॉड मिलेगा, ये हल्का सा नैरो मिलेगा। बाकी सीट, भाई सीट में तो ये ज्यादा बड़ी है, नो डाउट। सीट के बारे में एक चीज बोलूंगा कि जैसे इसके खरीदने के बाद दो ऑप्शन मिलते हैं। अच्छा, ये है नॉर्मल सीट, एक आती है उसकी टूरिंग सीट। अच्छा, उसमें मतलब टूरिंग सीट में कंबाइंड होती है, ज्यादा कंफर्ट है, मतलब कंबाइंड होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है लेकिन कंफर्ट वो बड़ी। अच्छा 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 अच्छा, ये अभी ये इसकी कुशनिंग कैसी है? इसकी कैसी लगी? मेरे मेरे लिए सबसे बेस्ट है। बेस्ट है, बिल्कुल दर्द नहीं होता। ठीक है, अब एक बार इस पे बैठ के देखो, फिर उसके बाद बताइयो कैसी है। सही है ना? पहले इसके ना जो यहाँ वाला सपोर्ट है ना, ये वाला एक्स्ट्रा, वो यहाँ पे ये देख, ये चीज, और इसमें ये चीज देख, क्योंकि ये चीज, क्योंकि मतलब जब मैंने बाइक ली थी तो मैंने एक चीज सीखी थी जो कैफे रेसर होती है, मतलब एक तरीके से उसको कैफे रेसर ही बोलूंगा। हाँ, क्रूज, ये क्रूज बाइक्स में भी, हाँ ठीक है। तो ये क्रूजिंग, अब जैसे मैं अगर मैं बैठ के दिखाऊं, तो अगर मैं इसमें बैठता हूँ तो अब मैं अगर चला रहा हूँ इसे, क्योंकि मोस्ट ऑफ इट मैं इसको तेज भगाता हूँ या पहाड़ों में भगाता हूँ, तो इसका पर्पज क्या है ना कि ये ऐसे है, हाँ ये चिपका, ये इसके, हाँ इसमें इस पैर जो है ना वो चिपके हुए हैं, बिल्कुल चिपके हो रही चाहिए ताकि बाइक कंट्रोल में रहे। हाँ वो क्या है, वो तुम रिलैक्स होकर आराम से चलाओ। मैंने क्या बोला था स्टडी में, लेजेंड, रिलैक्स होकर चलाओ एकदम, मतलब ऐसे ऐसे चलाओ एकदम ऐसे। हाँ। लेट के बाकी भाई इसका मुझे एक चीज बहुत पसंद है जो कि है इसका मोनो सस्पेंशन, जो कि भाई आजकल हर एक बाइक हिमालयन में भी है, हिमालयन में भी है ये चीज। और ये चीज मिसिंग है भाई इसमें, देखो दो आपको स्पाइड साइड बोल रहा हूँ, स्पाइड बोल रहा हूँ, साइड साइड सस्पेंशन दे रखे हैं, एडजस्टेबल भी है। अच्छा, तो ये एडजस्ट भी हो सकता है। तो भाई जो मतलब आप मान लो कि जो बेस्ट होता है ना सस्पेंशन भाई, वो मोनो सस्पेंशन होता है, सिंगल एक, इससे क्या है बैलेंसिंग भी बनी रहती है बाइक की, बाइक गिरती भी नहीं है, स्लिप भी इतनी जल्दी नहीं होती, और भाई आपके बैक में एस में आपके दर्द भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि भाई जो मतलब बैठे बैठे जो बैठे बैठे झटके लगते रहते हैं ना, तो इसके कंपैरिजन में भाई ये जो है ये ज़्यादा आपको रिलैक्स प्रोवाइड कराएगी। और बाकी पिलियन के लिए, पिलियन के लिए थोड़ा इसमें दुख दर्द होता है। अच्छा भाई, क्योंकि, इसमें क्योंकि अब जैसे उसकी सीट थोड़ी चौड़ी है, बट अगर अब भाई ये पैसे खर्च करने वाली बात है। यस, कि मैं यहाँ से उठा के इसमें रैक लगा दूंगा तो अब जैसे वो रैक लगता, हाँ, है, समझ गया मैं, वो उसके लिए तो बैग्स वगैरह के लिए, हाँ, उससे सीट का थोड़ा कंफर्ट थोड़ा बढ़ जाता है। हाँ। बट ऐसे होता है कि ज्यादा टाइम तक नहीं बैठ सकता जब तक बंदा अगर पूरे गियर में नहीं है तो। अगर ऐसे नॉर्मली चलेगा तो फिर उसके तो दर्द हो ही जाएगा। पर भाई इस चीज में तो भाई ये चीज विनर है, सीधा सीधा विनर है सीट के मामले में, सीट के मामले में भाई कोई कंपैरिजन नहीं करता, रॉयल एनफील्ड की हिमालयन हो या कोई भी हो। हाँ। भाई वो सीट के मामले में कभी हिमालयन की सीट बहुत गंदी है, हैं हिमालयन की सीट, रॉयल एनफील्ड, व्हाट इज दिस, हिमालयन की सीट इसलिए गंदी है क्योंकि मैं उसकी टेस्ट ड्राइव भी लेके आया था। अच्छा, और मैं दोस्त के लिए भी देख रहा था, तो जैसे यहाँ पे गया, यहाँ पे तुम्हारे की क्रॉच के लिए वो है, मतलब कम्फर्ट है यहाँ पे क्रॉच, उसकी सीट ना थोड़ी यू शेप्ड है। अच्छा, तो बम्प आएगा सीधा क्रॉच में लगेगा। ठीक है, उसमें यही इच्छा, बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो सब परफेक्ट है। हिमालयन में एक चीज और अच्छी है कि आगे वाला सस्पेंशन भी एडजस्टेबल है। अच्छा, इसमें एडजस्टेबल नहीं है आगे वाला, फिक्स है पीछे वाला। बाकी भाई इसमें देखो डबल साइलेंसर है पीछे,
है सिंगल सिलेंडर ही बट डुअल एग्जॉस्ट निकाल रहा है, डुअल एग्जॉस्ट निकाल रहा है। बाकी भाई अपने आपको पता है रॉयल एनफील्ड है बुलेट में, तो भाई मेरे पास तो भाई ऑप्शन भी है, वो बस कुछ नहीं पटाखे बजाने गाइस, मेरे पास तो ऑप्शन भी है दिवाली मनाने का ही। पट 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 भाई मैं तो देखो भाई दिवाली बना सकता हूँ अपनी बुलेट से, क्या आप बना सकते हो? चलो भाई एक बार ओ गाइस आप सबको भाई मैं बताना भूल गया, इसके अंदर 400cc लिक्विड कूल इंजन आता है। लिक्विड कूल मतलब कि इसमें जो है वो लिक्विड वो डलता है, कूलेंट डलता है अपना, जिसमें जिसकी वजह से ये आगे जो आप देख रहे हो जाली, ये रेडिएटर है जो हमारे इंजन को ज़्यादा लंबे रूट्स के लिए ठंडा लगता है, इंजन जल्दी गर्म नहीं होता और हम ज़्यादा दूरी के लिए जा सकते हैं बिना रुके। जो चीज़ भाई इसमें नहीं है, इसमें अंदर आता है एयर कूल, मतलब हवा से जो ठंडा होगा वही ठंडा होगा, उसके अलावा ठंडा नहीं होगा, जो हीट होगा वो होगा, ठीक है राइट? वो भी होता है गर्म तो वो भी होता है भाई, होता है बट कंपैरिजन में बता रहा हूँ मैं कि ये चीज जल्दी गर्म होगी, वो चीज थोड़ा टाइम लगेगी गर्म होने। बुलेट को मुझे बता जरूरत भी है इन चीजों की, क्योंकि मेटल ऐसा काम ऐसा चलता रहता है, ये बात है भाई ज्यादा चलती है पता ही है, कुछ भी खराब उराब हो जाए कुछ भी हो जाए ये चलती है। पर एक चीज है, इसने ना इस बाइक ने अपना बना रखा है, हाँ। कुछ भी हो जाए तो कुछ भी हो जाए, कोई कोई इस कोई हर दूसरा बंदा खरीद, हाँ इस बाइक की कोई बंदा कितनी भी इस्तेमाल ले, हाथी है झोटा है ये है वो है, लद्दाख ले जाओगे फंस जाएगी, कुछ भी बोल ले पर फिर भी सब चला रहे हैं, बुलेट सब चला रहे हैं भाई, फिर भी बिकती है ये बाइक। बाकी भाई ये बाइक भी नो डाउट बहुत अच्छी है, इसके आगे क्या है एलईडी, हाँ ये एलईडी है पूरा ट्रिपल एलईडी है सारी। भाई ये आगे आपका पूरा ट्रिपल एलईडी मिलता है, जो कि इसमें नहीं मिलता है, इसमें आपको हाइलोजन बल्ब मिलता है, ठीक है। इसके अलावा इंडिकेटर कंपनी से एलईडी है, हाँ भाई ये भी कंपनी से ही एलईडी है, जो कि इसमें आपको राउंड शेप में आपको नॉर्मल बल्ब मिलते हैं हाइलोजन। और भाई इसकी बैक लाइट दिखा देता हूँ, ये भी एलईडी है, ये भी एलईडी है, ओह नाइस भाई ये देखो ऐसा कुछ इसमें टी बन रहा है अगर आप नोटिस करोगे तो पीछे, और भाई ऐसा कुछ इसका पीछे से लुक है, ठीक है। बाकी भाई आपने सिनेमैटिक में तो देख लिया होगा, तो भाई कैसा लगा? भाई बढ़िया लगा, बढ़िया लगा मुझे तो, मैं तो अपनी बाइक चला ही रहा हूँ, हाँ मुझे तो तेरी बाइक की शाइन देख के मजा आ गया तो भाई वो नहीं है अभी, ठीक है। सो गाइज अभी हम क्या करेंगे भाई, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे, बट मुझे पता है भाई आप सब सोच रहे होंगे किसकी बाइक जीती कंपैरिजन में, मैं बोलता हूँ कि वो लोग आप बताओ कि भाई देखो मेरी बाइक है मेरे को बहुत प्यारी है इसलिए मैं अपनी जिताऊंगा, उसकी बाइक है उसको अपनी प्यारी है इसलिए वो अपनी जिताएगा, मैं दोनों को जिता दूंगा बाइक बाइक है भाई तो भाई आप लोग कमेंट करो, ठीक है, कि भाई किसकी बाइक ज़्यादा आपको पसंद आई, ठीक है, और किसकी बाइक ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है। देखो प्रैक्टिकल के मामले में अगर आपने ऑफ रोडिंग करनी है सब कुछ करना हैवी इंजन वगैरह सब कुछ के लिए तो भाई ये बाइक बेस्ट है भाई, रोला जमाना है फिर आप बुलेट ले तो आंखें बंद करके बुलेट ले लो, ठीक है भाई, हाँ। इसकी अपनी बातचीत है बस। और बाकी भाई आप सोच रहे होंगे कि एक बार थोड़ा सा रेस हो जाती भाई, नेक्स्ट व्लॉग में जो हम नेक्स्ट बार मिलेंगे भाई, नेक्स्ट बारी में हम इन दोनों की ड्रैग रेस भी करवाएंगे, करवाए ठीक है ड्रैग रेस, ठीक है ना भाई, मुझे पता है देख लेंगे देख लेंगे, अमन की हाइट के हिसाब से ये सीट भी, कि इसके पैर भी अच्छे से इस पे आ जाएंगे, कि ऑब्वियसली इसकी सीट हाइट ऊंची है, मेरे तो भाई हर किसी पे आ जाएंगे मेरे तो यार, ऐसे ऐसे अगर मैं हाइट देख के लेने लगता फिर मैं हार लेन ले देता पर मैंने क्या देख के लिया, रोला नहीं बजट ये फैक्टर है, ये तो भाई बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बजट तो भाई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है यार, वो अलग बात है कि मैं भी बजट से चलता हूँ, बस थोड़ा सा मन लालच आ जाता है, मन थोड़ा ललचा गया मेरा और कुछ नहीं हुआ है, वरना मैं भी कल को लगता है बुलेट ही ले रहा होता है क्लास या फिर कुछ ऐसी उठा रहा होता मैं भी तो भाई आपने देखी आज बाइक, एक अपनी ट्रैम्प और एक अपनी रॉयल एनफील्ड। तो गाइज आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में हम इन दोनों की रेस भी लेके आएंगे, तो उस ब्लॉग को भी ज़रूर देखना, और आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।